हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम अपने लेक्चर की इस कड़ी में बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला ग्लोबोसा। तो पाइला ग्लोबोसा की हमने प्रीवियस टू लेक्चर्स में देखा कि जो पाइला ग्लोबोसा की जो सेल होती है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो पाइला की जो बॉडी है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं या उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो पाइला की बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ हेड, फुट, विसरल मास एंड मेंटल। तो पाइला की जो बॉडी है वो स्पष्ट रूप से चार पार्ट से कंसिस्ट होती है, मिलकर बनी होती है। एक हेड मतलब कि सेल, दूसरा फुट, तीसरा विसरल मास और चौथा मेंटल जिसे कि पैलियम भी कहा जाता है। हम बात करें हेड की, तो देयर इज ए डिस्टिंक्ट हेड प्रोड्यूस्ड इनटू अ स्नाउट। द हेड बियर्स टू पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स। इसमें एक पृथक हेड होता है जिसकी स्नाउट रीजन पर हेड में दो पेयर टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिनमें से एक पेयर छोटा होता है और दूसरा जो टेंटिकल्स का जो सेकंड पेयर होता है वो होता है स्मॉल। तो फर्स्ट पेयर है टेंटिकल्स वो स्मॉल होता है जिसे लेबियल पाल्स, और सेकंड पेयर जो होता है वो लॉन्ग होता है। ये टेंटिकल्स आर हॉलो एंड कैपेबल ऑफ मच एक्सटेंशन। जो टेंटिकल्स होते हैं वो हॉलो मतलब खोखले होते हैं और ये एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं एक्सटेंशन मतलब आगे की तरफ बढ़ने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में, आगे पीछे होने में ये सक्षम होते हैं। बिहाइंड द टेंटिकल्स द हेड हैज अ पेयर ऑफ आईज। टेंटिकल्स के पीछे हेड में एक जोड़ी आईज प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टाक्स या ओमेटोफोर्स पर प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसी आईज हैं कि किसी एक मीडियम से अटैच्ड हों वो स्टाक्ड आईज कहलाती हैं। अब जो पाइला की जो बॉडी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फुट। तो बिलो द हेड, हेड के नीचे इज ए लार्ज मस्कुलर फुट। हेड के नीचे एक बड़ा सा मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है। इट्स लोअर सरफेस इज ग्रे एंड फ्लैटेंड सोल। इसकी जो निचली सरफेस होती है वो ग्रे कलर की और फ्लैटेंड तले वाली होती है। इट्स ए ट्राइंगुलर ये त्रिकोणीय होता है। इट इज़ यूज फॉर क्रीपिंग और इसका यूज़ फुट का यूज़ हम सभी जानते हैं, फुट का यूज़ जो है वो चलने के लिए होता है। तो इट्स अपर सरफेस इज स्पॉटेड एंड द डोर्सल पोस्टीरियर सरफेस बियर्स द अपरकुलम। तो इसकी जो ऊपरी जो सरफेस होती है अपर सरफेस होती है वो स्पॉटेड होती है और इसकी जो डोर्सल पोस्टीरियर सरफेस होती है उस पर अपरकुलम प्रेजेंट होता है। व्हेन द फुट इज विथड्रॉन द अपरकुलम जब फुट को ऑपरकुलम में अंदर की तरफ खींच लिया जाता है तो ये सेल के माउथ को बंद कर देता है। इन द फुट इज ए पेडल म्यूकस ग्लैंड। इसके फुट में पेडल म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि लोकोमोशन के दौरान या गमन के समय या चलन के समय एक स्लाइम ट्रेल बना देती हैं। तो हमने कई बार देखा है कि जो एप्पल स्नेल होते हैं या कई दूसरे जो घोंघे होते हैं जब वो चलते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट कलर की एक लाइन बनती हुई चली जाती है, तो ये कहलाती है स्लाइम ट्रेल। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम अगला जो पार्ट है
इसकी बॉडी का, पायला की जो बॉडी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।